ये है महुआ का पाता। मैं जो ऊपर एकदम सबसे ऊपर, अकेले मत जाया करो। हम नहीं जाएंगे। हाँ, मिर्चाई मिल गया। विचार है आपके पास? हाँ, इन्हें बना देंगे पास। टू मैं न्यू ब्लॉग, कैसे आप सब? मेरे अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। स्वागत करता हूँ आज के न्यू ब्लॉग में। आज है 3/6, जिसको हर हल छठी कहते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मनाया जाता है। हमारी माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए मनाती है, क्यों मम्मी? पुत्र के दीर्घायु आयु के लिए माताएं जो है अपने पुत्रों के लिए रखती हैं। माताएं बहने सभी लोग, मम्मी कह रही है मम्मी तो ठीक नहीं है, यहाँ पे लेटी हुई हैं। अभी उन्होंने मुझसे कहा है क्या है कि जाओ पहले महुआ का पाता लाओ और वो लाओ, महुआ का लकड़ी दातुन करेंगे, इंतज़ार कर रही हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार ब्लॉग होने वाला है। चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसको निकालते हैं पहले। आज की सुबह देखो कितनी प्यारी है, वहाँ पे सूफिया खड़ी है। सुबह बहुत अच्छी हो गई, सूफिया मुस्कुरा रही है। देखो यहाँ पे, ये देखो सूफिया मुस्कुरा चली गई अंदर। हम भी बाइक बाहर निकाल दिए हैं। आज लेट में उठा हूँ, लेट में उठने के बाद भी नहाना तो ज़रूरी है। बाल भी आपने देख रहे हो कैसा हो गया है, बाल छिलवा लिया इसलिए बाल ऐसा हो गया है। देख लो सब एकदम गंजिया हो गए हैं। लो भाई आ गए। आपको पता है महुआ पेड़ कैसा होता है? देख लो, आज दिखाता हूँ। ये देख लो, आज दिखाता हूँ महुआ का पेड़ कैसा होता है। पत्तियाँ भी तो हैं लेकिन काफ़ी ऊंची पे है, कैसे तोड़ेंगे हम? गया महुआ के पेड़ के पास। हाँ ये है, यहाँ से पाऊँगा नहीं, क्या करें, इतना ऊपर है। दातुन भी चाहिए दांत साफ करने के लिए, पत्ता तो मिल जाएगा, देखता हूँ। वहाँ एक भैया है, बोल रहे हमारे घर पे ले लो। घर पे एक भैया मिले, उनसे बोला मैंने, दीजिए तो करे चलिए हमारे घर पे और देंगे हम वहाँ। वाह क्या बात, वाह वाह वाह, ये देखिए मिल गया, भैया जी ने दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको देने के लिए। हैरान हो रहे थे हम, देख लो ये है महुआ का पाता पत्ता, काफ़ी बड़ा दे दिया इन्होंने, इतना बड़ा। इसलिए चलते हैं, मम्मी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको रख दिया मैंने, दातुन की व्यवस्था हो गई, लेकिन अब चाहिए क्या, बिना खेत में जुता हुआ पालक और मर्चा भी, उसकी व्यवस्था करते हैं। आ गया आ गया, ये लो ये लो। ठीक है, वाह क्या बात है, ये है महुआ, महुआ का पत्ता। अब जल्दी से आप धोइए नहाइए, हम चलते हैं अपने कार्य करने। पालक वालक मिल गया? पालक साग, साग की व्यवस्था करना है, मर्चा की व्यवस्था करना है, अभी करना है पालक और साग, यानी कि साग एक ही होता है, साग की व्यवस्था करना है। वो भी कैसा चौराई, जो जिस जगह का चाहिए, जिस खेत में जोता हुआ ना हो, हल ना चलता हो। वैसे बहरहाल आजकल तो हल कोई चलाता नहीं है, वो भी 14 साल तक खेत में हल ना चला हो। अभी तो जानते हैं 14 साल तो क्या, अब कल्टीवेटर चलता है, हार्वेस्टर चलता है, बहुत सारे चलते हैं, चलता ही नहीं है, लेकिन तब भी प्रयास करना पड़ेगा। मर्चा भी दूसरा होता है, तो दे दिए चलते हैं हम नहाने। मम्मी नहा चुकी? हाँ नहा चुकी। क्या बात है, वाह वाह वाह, जल चढ़ाने जा रही हैं। हाँ। जाइए नहा के फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। हो गया हमारा स्नान, मम्मी मेरी रेडी हो गई हैं। चलो मम्मी चलो जल्दी चलो चलो। बता रहे थे कि आज की पूजा जो है 8 बजे शुरुआत होकर 9 बजे तक है, तो आप लोग मतलब कि आपकी मम्मी और बहन पूजा 8 बजे से शुरुआत 9 बजे तक की है या इससे पहले की, कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ का जो टाइम है वो पंडितों के द्वारा बताया जाता है, तो उसी विधि विधान के द्वारा हम लोग करते हैं। तो अभी मम्मी मेरी गई अंदर, चलते हैं बाहर हम भी। आओ जल्दी आओ, चलो मम्मी नमस्ते, मम्मी नमस्ते। वाह मेरी मम्मी मुझे आशीर्वाद दिए, आयुष्मान भव। चप्पल पहन लीजिए ना पहनिए, वो तो आपकी इच्छा। चलिए, अरे वहाँ नहीं बांधेंगे का, वो वहाँ नहीं बांधेंगे का इस बार। चलिए जल्दी से चलो चलो, सिंदूर
संधू नहीं लाई हैं? हाँ घूमी हाँ घूमी इस बार भी रक्षाबंधन की थी। सारा क्या क्या देखी थी? अरे आई ये देखो इतने लोग हैं, इतनी माताएं बने यहाँ पे आई हुई। वाह ये देखो मेरी मम्मी कहाँ गई? चलो सिंदूर यहीं से कैसे ले लो। मम्मी लग सकते हैं भैया जल भल लाए हम लाए। हाँ बाटी मंदिर ले भोग आज तू कह करिया करिया पहन ले बाटू है करिया सही चल पहने चाहे कहाँ सफेद पहन ले बाटू तो ही गाय बताओ इनको ये कौन सा पानी काला पानी सफेद पानी है। मामी सोनी तो नाम से चला वाला चंदा सोनी अल्ट पूरा वीडियो अच्छा बनने का देख डालियो करे कौन नाम से बनाते हो? हम देख चुके ली तू यार फुल वीडियो बना वाला बताओ अच्छा बनाने पैसा दिया हूँ तुम करी पैसे नहीं दिए। 21 तारीख के डालना है। हाँ तो दिन में ब्रह्म वेद स्वरूपम इदम् एव। ये बनाना आपका कब शुरू किए थे? 2022 से। हाँ लगभग। हम तो क्या हुआ मुड़िया सब के नहीं रख रहे सब कटी तो ये भाई हम बनाए आप खड़े बन 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 गया बन गया। बात सही है चंदन में बनवाए थे फिर आप बनवाए थे तो आप पैसे नहीं दिए थे चंदन दे दिए लगा ना मुझे क्या बात प्रसाद दे दी। भूमि प्रसाद कैसा है? अच्छा है खा के दिखाओ तो। वाह ये भी खाओगे तुम भी खाओ थोड़ा सा। मम्मी 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 मल से मम्मी बाज में भूमि तो थोड़ा दे दो उसको इसको थोड़ा दे दो थोड़ा सा दे दो खा लो। अरे देखो थोड़ा थोड़ा खा लो हो जाएगा। ले लो बाबू वाह यहाँ पे है मम्मी ने सबको थोड़ा थोड़ा क्यों हाँ। थोड़ा थोड़ा सबको प्रसाद दिए हाँ। आज का प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है सच्ची। आगे बढ़ो अब आओ जल्दी आओ जल्दी आओ चलो हम लोग चलते हैं मंदिर में भगवान कृपानाथ जी के मंदिर में। हमारे यहाँ कृपा करते हैं बहुत ज़्यादा बहुत कृपा करते हैं यहाँ के लोगों पर दिखाता हूँ। हनुमान जी ऊपर एकदम सबसे ऊपर तिरंग वो जो उनका ध्वजा है कैसा है प्रसाद? ठीक है अच्छी ठीक बहुत बढ़िया है। हाँ हमारा वीडियो देख रहे हैं यहीं बैठ के यहीं पे देख रहे हैं सारे लोग देख रहे हैं 15 अगस्त वाली या ये देख रहे हैं जो ये आई थी 15 अगस्त वाले में आई थी यही बोली थी हाय दोस्त यही है ना तुम ही थी ना हाँ यही थी है ना बैठ के सब हमारा ही वीडियो देख रहे हैं। अकेले मत जाया करो बाबू अकेले नहीं जाओगी ना हाँ बाबू को भैया को साथ में लेके जाओ सिद्धी सिद्धी करो अकेले मत जाया करो हम नहीं जाएंगे हाँ हाँ क्या कही थी पैसा सा पैसा सा है कि नहीं पैसा है वाह कितना है जी देखें कितना है बाबू कितना है 25
15 रुपए है ना, है ना? अरे हमारी मम्मी कहाँ गई? ऊद कहूँ। सृष्टि तुम कहाँ जा रही हो? घर पे जा रही हो? हमारी मम्मी कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हो? अच्छा जाए जा, जाए जा। सभी लोग बाय बाय करते हुए जा रहे हैं तीन छठी की। और तीन छठी का कुछ बुलबा नहीं कि सभी लोग के यहाँ तीन छठी कहाँ मनाया जाता है। पूजा के साथ साथ पालक की व्यवस्था हो गई, साग की। और साग कहाँ? मेरे पुराने वाले घर पे, यहीं पे छोड़ रही मम्मी। चप्पल ना पहनिए क्योंकि यहाँ जूता थोड़ी जाता है। पर्याप्त है ना? हो जाएगा इतने में? इतने में कहाँ हो जाए, हो जाए। चलो चलो चलो, हो जाए। चलो चलो चलो, हमारे बैठो गाड़िया पे। चाची ने दी हमको पालक, बहुत बहुत धन्यवाद चाची। कहाँ है गोलू? अच्छा दोस्तों, देखो ये देखो पालक हमको मिल गया। क्या नाम है इसका चाची? ये सगवा के चौराई, ये चौराई हम बार बार पालक कह रहे हैं, ये इसको हम बार बार पालक कह रहे थे, इसका नाम चौराई है। अब मम्मी वहाँ वेट कर रही है, मिल गया। दो काम हो गया, अब मर्चा की व्यवस्था करना है। मर्चा देखते कहाँ मिलेगा। ये देखो मर्चा भी मिल गया, ये चाहिए था पालक। अरे हम बार बार पालक, इसको चौराई कहा है। देखो ये चौराई, मम्मी बनाएंगे इसका जो है पालक और तिन्नी वाला चावल, उसके साथ दही और मर्चा भी। अब चलते हैं दुकान पर। चलिए आनंद जी, चलिए। क्या कर रही हो? ये क्या हो रहा है? क्या करने के लिए? विचार बनाने के लिए। अच्छा विचार है आपके पास? हाँ इसीलिए बना रहे हैं। कितने किलो है विचार? अभी बना रहे हैं, तब विचार आया है अभी तक। हाँ भोजन नहीं किया। अच्छा इनके पास कितना विचार है? तौली नहीं है, इनसे पूछे कितना विचार है आपके पास। पता नहीं है विचार इनके पास कितना है, बिना विचार के अचार बन ही नहीं सकता है, बना रहे हैं। चलिए हम चलते हैं दोस्तों दुकान पे, हम लोग चलिए हैं, सब बनाते रहेंगे। हमारे साथ आनंद जी भी हैं आज, क्योंकि यहाँ कल जो है पूजा होने वाला। कौन सा पूजा? जन्माष्टमी। कल जन्माष्टमी की पूजा होने वाली। और हमारे यहाँ के बहुत अच्छे हैं हमारे छोटे भाई अनुज, आनंद शास्त्री जी। और धीरे धीरे आपको वीडियो में ये मिलते रहेंगे, क्यों? बिल्कुल, कुछ ना कुछ जानकारियाँ देते रहेंगे। बिल्कुल जी। जय जय श्री राम। हैं सब कुछ है। हाँ, तो बहुत ज्यादा हो गया। अरे हो गया। हैं बाप भाई, इतना कुल है, इसका जंठल निकल गया है। व्यवस्था हो गया, दही की व्यवस्था हुई नहीं है। क्यों भाई दही की व्यवस्था हुई? दही कोई खास नहीं है, है खास नहीं, जब मना तो खास। हाँ भाई मेरी मम्मी के लिए मना है, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है उनका, तो खास नहीं। आज कैसी चीज बाकी सब मांगना, घर घर मांगना चाहिए। मांगना भी चाहिए और मिलना भी चाहिए। मांगना उसके घर जाना चाहिए, इसके साथ मिलने थोड़ी ना, उसके घर जाए मिल भी ना करे। हैं भाई देना चाहिए, लेना चाहिए। आज तो सब दान करा,
जिनके पास जो है सब लोग सोचते हैं, क्या बात है, बहुत बड़ा पर्व है, बच्चे का त्योहार। किसके लिए रखी है व्रत? अपने बेटे के लंबी उम्र के लिए, बरकत के लिए, उनका जीवन सुखमय के लिए, अपने बेटे के दीर्घायु के लिए सब व्रत करती हैं, मन्नत मानती हैं। चक्की का व्रत सच्ची माता से प्रार्थना करती है, हमारे बेटे को दीर्घायु, हमारे बेटे को रोजी रोजी बरकत दे, जीवन सुखी रहे, इसी कामना से इस व्रत को सब लोग करते हैं। खूब कथा सुनाई है आज मंदिरों पे हो, इस व्रत को करती है सब लोग। हाँ, नहा धो करके जो है महुआ का दर्शन करती हैं, महुआ का पत्ता रहता है, महुआ रहता है, दही का चावल रहता है, दही रहता है, या कुश के ऊपर चढ़ाती हैं, कुश का बहुत बड़ा आज महत्व है, कुश को चढ़ाती हैं और पत्ते पर जो है महुआ, दही का चावल, दही चढ़ाती हैं, सिंदूर लगाती हैं, हल्दी लगाती हैं, सब कुछ चढ़ा करके अपनी कामना को छठी मैया से प्रार्थना करती हैं, फिर उस चढ़ाए प्रसाद को उठा करके लड़कियों में बच्चों में बांट देते हैं, प्रार्थना करके अपने घर पर आती हैं। जैसे आप आए पालक आज साग को लेके, हाँ तो आज सब साग पात का इंतजाम करके अपना गिलास उठाओ, रखो ये निकल गया, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, तैयार कर दिया है, ये रही दही, थोड़ा सा दही रख लेते हैं, काट काट गिलास हाथ में, इसको ढक लेता हूँ। श्री राम जय जय राम जय श्री राम। तेरे पंखा को पहले ऑन कर दें, पंखा, वाह क्या बात है, अब मजा आ रहा है। वाह पेट भर गया, बहुत अच्छा लगा, मम्मी ने हमारे लिए व्रत रखा था और आपकी माताएं और बहनें भी आज हमारे पूरे भारतवर्ष में तीन छठी का व्रत रखती हैं। वैसे तीन छठी आपके यहाँ कैसे मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा लगा आज की वीडियो, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आएगी तो चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसे प्यारे प्यारे ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, शपा।